क्या आपको लैम्बोर्गिनी की स्टोरी पता है? लैम्बोर्गिनी के ओनर पहले ट्रैक्टर्स बनाते थे इटली में। उसे सुपरकार्स का बहुत शौक था और वो नंबर वन कस्टमर था एक सुपरकार मैन्युफैक्चरर का जिसका नाम था एंजो फरारी। वो फरारी का नंबर वन कस्टमर था। लेकिन जब लैम्बोर्गिनी के ओनर ने फरारी 250 GT मॉडल को परचेज किया तो उन्होंने देखा कि उस कार में बहुत मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हैं। और जब वो ये बताने के लिए एंजो फरारी के पास गए तो एंजो ने उनकी इंसल्ट करते हुए कहा कि एक ट्रैक्टर चलाने वाले को सुपरकार चलाना नहीं आता। और उसके बाद लैम्बोर्गिनी के ओनर ने कसम ले ली कि वो वर्ल्ड की बेस्ट सुपरकार बनाएंगे और फिर उन्होंने लैम्बोर्गिनी 350 GTI को बनाया। लैम्बोर्गिनी के ओनर का नाम था फेरुसियो लैम्बोर्गिनी और आज के टाइम पे लैम्बोर्गिनी अपनी स्पीड क्लास और लग्जरी के लिए जानी जाती है। इसके साथ ही लैम्बोर्गिनी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है फरारी की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।